हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अमावस्या चंद्रमास के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है। इसके बाद चंद्र दर्शन के समय की शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाती है। अमावस्या तिथि धर्म कर्म स्नान दान कार्यों के लिए, व्रत रखने के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है, विशेष कर ग्रह दोष से मुक्ति पाने के लिए। अमावस्या तिथि के दिन कई उपाय भी किए जाते हैं। वैशाख माह हिंदू नववर्ष का दूसरा माह होता है और ऐसा माना जाता है कि इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। साल 2022 के वैशाख मास के अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा, जिस कारण इस तिथि का महत्व और भी अधिक होगा। तो आज हम जानेंगे साल 2022 के वैशाख माह के अमावस्या और सूर्य ग्रहण की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और सुख समृद्धि के लिए इस दिन किए जाने वाले सरल और अचूक उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। 30 अप्रैल शनिवार को वैशाख माह की अमावस्या है, इसे सुतवाई अमावस्या भी कहा जाता है। अभी गर्मी के समय होने से इस तिथि पर जल का दान जरूर करें, ज़रूरतमंद लोगों को जूते चप्पल और छाते का दान करें। वैशाख माह की अमावस्या पर दिन की शुरुआत सूर्य देव को अर्घ्य देकर करनी चाहिए। अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान करें और स्नान के बाद नदी किनारे दान पुण्य जरूर करें। शनिवार को अमावस्या होने से इसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। इस बार अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी रहेगा, लेकिन ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। इस वजह से ग्रहण से संबंधित मान्यताएं भारत में मान्य नहीं होंगी। अमावस्या से संबंधित पूजन कर्म किए जा सकेंगे, व्रत किए जा सकेंगे और दान पुण्य भी किए जा सकेंगे। आइए अब जानते हैं वैशाख माह की अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में वैशाख अमावस्या 30 अप्रैल शनिवार के दिन है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 30 अप्रैल प्रातःकाल 12:57 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 1 मई प्रातःकाल 1:57 पर। और जो ग्रहण काल है, ग्रहण का जो समय है वो इस प्रकार है। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल शनिवार को लगेगा, ये वैशाख अमावस्या को लगेगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 30 अप्रैल मध्य रात्रि 12:15 से शुरू होगा और सुबह 4:07 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है, वो सूतक काल से ठीक 12 घंटे पहले लगता है, और यानी कि जो ग्रहण है वो सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले लगता है और भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इस कारण इसका जो सूतक काल है वो मान्य नहीं होगा। आइए अब जानते हैं वैशाख माह की अमावस्या की पूजा विधि। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन व्रत, पूजा पाठ, दान पुण्य किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार वैशाख अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और यदि संभव हो तो आज के दिन पवित्र नदियों में या तीर्थ स्थलों पर स्नान करें, और अगर ऐसा संभव ना हो तो आप घर पर ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा।
स्नान के पश्चात सूर्य देव को जल का अर्घ्य जरूर देना चाहिए। जल का अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करने चाहिए। इस दिन व्रत पूजा दान पुण्य किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन कुछ जगहों पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव की पूजा जरूर करें, उन्हें तेल चढ़ाएं और शनि चालीसा का पाठ करें, शनि मंत्रों का जाप करें। अंत में अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा जरूर दें। आइए अब जानते हैं विशाख अमावस्या के उपाय। दोस्तों, ज्योतिष की दृष्टि में यूँ तो प्रत्येक अमावस्या बहुत खास होती है, लेकिन विशाख महीने की जो अमावस्या है, ये तिथि और भी अधिक लाभकारी मानी जाती है। इसलिए इस दिन कुछ उपाय भी किए जाते हैं। अगर इस दिन कुछ उपाय किए जाएं तो व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है, सफलता और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि इस दिन किए जाने वाले उपाय कौन से हैं। दोस्तों, विशाख अमावस्या के दिन शनि जयंती भी है, शनि जयंती मनाई जाती है, इसलिए शनि देव को प्रसन्न जरूर करें। उन्हें तेल काली उड़द और पुष्प आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि मंत्रों का जाप जरूर करें। शनि अमावस्या के दिन स्नान के जल में तिल डालकर स्नान करना चाहिए, ऐसा करने से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि को दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत रखें, लेकिन दान पुण्य जरूर करें, जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करें। आज के दिन स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य जरूर दें। सूर्य देव को जल का अर्घ्य जो देंगे उसमें आप तिल डालें। तिल डालकर अर्घ्य देने से आय में बढ़ोतरी होती है और ग्रह दोष दूर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो अमावस्या है, इस दिन दान पुण्य के साथ साथ कुछ शुभ कार्य भी कर सकते हैं। अमावस्या पर संभव हो सके तो किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगवाएं, क्योंकि गर्मियां हैं और आप चाहें तो प्याऊ में मटके या जल का दान भी कर सकते हैं। आम लोगों के लिए शीतल पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, जिनसे लोगों को गर्मी में शीतलता मिल सके। शनिवार को सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे का उपयोग कीजिएगा। अर्घ्य चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को पीला फूल चढ़ाना और धूप दीप दिखाना बहुत ही उत्तम रहता है, ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। सूर्य देव के लिए गुड़ का दान करें। किसी मंदिर में पूजा पाठ में काम आने वाली तांबे के बर्तन भी दान करने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, घर की छत पर या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर रखें और गौ माता की सेवा करें। गाय को हरी सब्जी खिलाएं, हरी घास खिलाएं और संभव हो तो गौशाला में जाएं। अगर आपके घर के आसपास गायें नहीं दिखाई देती है तो आप गौशाला में गायों की देखभाल के लिए धन का दान कर सकते हैं। इसके अलावा विशाख माह की अमावस्या पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर ठंडा जल अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल, जनेऊ, चावल, ये पूजन सामग्रियां अर्पित करें। मिठाई का भोग लगाएं, यानी कि भोलेनाथ की पूजा करें। धूप दीप जलाएं, आरती करें, पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें और प्रसाद खुद भी ग्रहण करें। किसी मंदिर में शिवलिंग के लिए मिट्टी के कलश का दान करें, जिसकी मदद से शिवलिंग पर जल की धारा गिराई जाती है। अमावस्या पर सुबह तुलसी को जल अर्पित करें और सूर्यास्त के बाद
तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं, पूजा करें, तुलसी की परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि तुलसी को शाम के समय स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए तुलसी की पूजा जरूर करें। अमावस्या के दिन सत्तू, आम और दूध का दान करना बेहद शुभ होता है। इन चीज़ों का दान करने से शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। दोस्तों, लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।